दक्षिण का ही कोई एक्टर है, वो कह रहा है कि आजाद देश का सबसे बड़ा पहला आतंकवादी हिंदू ही था, उसने ऐसा कहा। अब मेरा मन तो कर रहा है कि मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूं कि नहीं, क्यों दूं? मैंने ठेका ले रखा है, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है, तुम्हें हाथ नहीं है, तुम्हारी आंख नहीं है, तुम्हें कान नहीं है, सारा काम हम ही करें, तुम क्या करोगे? तमाशा देखोगे? ये शायद आखिरी पीढ़ी होगी जो हिंदू धर्म पे बोली जा रही है। डरना उस दिन से कि हम लोग अपनी जान बचा बचा के इस देश से भागेंगे, अगर मौन रहे तो, चुप रहे तो। कोई भी कायर बुजदिल आकर कह देता है कि हिंदू आतंकवादी है, हिंदू हिंसक है, हिंदू ये, मैं गारंटी से कहता हूं हिंदू से बड़ा सहनशील व्यक्ति पूरे विश्व में कहीं नहीं है, पूरे विश्व में कोई नहीं। हम सिर्फ हिंदुओं की शांति की प्रार्थना नहीं करते, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं, हे ईश्वर सब सुखी हो, ये हर कथा के पहले करते हैं कि नहीं? और वो कह रहा है पहला आतंकवादी हिंदू था। सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें आतंकवाद नहीं होता है, बाकी का तो हम कुछ कहने वाले नहीं, बस। और अगर हिम्मत है ना तो जहां आतंकवादी होते उन धर्मों का नाम लेके देख, तू जहां भी बैठा है ना, जहां भी तू बैठा है वहीं पहुंच के लोग तुझे तेरा अगर राम नाम सत्य न कह दे तो मुझसे कहना, तू जहां बैठा रहेगा वहीं पहुंचेंगे वो लोग। पर एक बात तो मुझे हिंदुओं से भी कहनी है, कब तक सुननी है तुम्हें? कब तक चुप बैठोगे? जब तक आखिरी हिंदू कट न जाए, मर न जाए, तब तक। हम किसी को मारने की बात नहीं करते, लेकिन अपने आप को बचाने की बात हमको जरूर करनी चाहिए, अपने धर्म को जिंदा रखने की बात हमको जरूर करनी चाहिए, अपने धर्म को सुरक्षित करने की बात जरूर करनी चाहिए। इस देश में जो भी गवर्नमेंट नहीं बने 23 को, सबसे पहले एक कानून आना चाहिए, जो भी हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करेगा उसे फांसी की सजा होगी। हमारी रामायण पढ़ी, हमारी गीता पढ़ी, हमारी भागवत पढ़ी, हमारे इतने पुराण पढ़िए, हम लोगों ने धर्म की लड़ाई लड़ी है, अधर्म की नहीं।